गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर। आई वुड लाइक टू से दैट कीप योर मोबाइल एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आईज। दिस वर्क इज फॉर ऑल क्लासेस, हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन। टुडे डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग शब्दकोश। कंप्यूटर, संगणक। तो कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संगणक। जैसे आपको पता है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला यंत्र है, विच मेक्स अवर वर्क इजी, जो हमारे द्वारा दिए गए काम को आसान करती है। कैलकुलेशन क्या होती है, गणना। कंप्यूटर को जो भी हम काम देते हैं, इनपुट देते हैं, ये उनके ऊपर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके हमें वापस आउटपुट देती है। कंट्रोल यूनिट, ये क्या है, नियंत्रण इकाई है, यानी हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कंट्रोल करती है। कंट्रोल यूनिट क्या है, यह सीपीयू का एक भाग होती है। एंटर क्या होता है, प्रवेश करना, और एंटर में से क्या है, कीबोर्ड की एक की भी है, जिसका प्रयोग हम लोग किसी भी लाइन से नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम लोग करते हैं, एंटर की। ये मैं बात करूँ, अगर मुझे कैलकुलेशन में बात करनी है, अगर मैंने कैलकुलेशन करनी है, उसके आंसर को निकालने के लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ एंटर की। फाइल क्या होती है, आपकी संचिका। और फाइल किससे बनती है, जब आपके अलग अलग पेजेस आपके मर्ज होती हैं, वो बन जाती है आपकी एक फाइल। डाटा क्या होते हैं, आंकड़े, यानी कि कंप्यूटर को दिए गए तथ्य, यानी जो मैं कंप्यूटर को काम देता हूँ, क्या प्रकार के आपके आंकड़े होते हैं, चाहे वो आपके नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, या फिर वो आपके लेटर्स हो। सीपीयू, इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बोलते हैं इसको केंद्रीय संसाधन इकाई, इसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। और सीपीयू के थ्री पार्ट्स होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू। अल्फाबेट होते हैं आपके अक्षर, यानी ए से लेके जेड तक। कमांड, निर्देश, जो भी मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिसकी सहायता से मैं कंप्यूटर को काम देता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं आपको मोबाइल की सहायता से पढ़ा रहा हूँ, तो मोबाइल क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। ऑटोमेशन क्या होता है, स्वचालन, यानी स्वतः करने, जैसे आप देख सकते हैं हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं वॉश करने के लिए, तो वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, टाइमर सेट कर देते हैं, तो वह ऑटोमेटिक काम करती है, ये होता है स्वचालन। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के ऊपर वह खुद ही काम करता है। सर्किट क्या होता है, आपका परिपथ, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लो ऑफ करंट। हेड क्या होता है, शीर्षक, यानी किसी चीज को हम लोग कह सकते हैं टाइटल क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारा टाइटल क्या है आज का, वर्ड मीनिंग। डिलीट क्या होता है, किसी भी चीज को मिटाना, तब आप ये कीबोर्ड की भी है, कोई चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए, आप उसे इरेज करना चाहते हैं, तो आप डिलीट की का प्रयोग कर सकते हैं। फादर, फादर कौन होता है, जनक। और एक और बार बार आता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज, हम लोग बोल सकते हैं उसको पिता भी कह सकते हैं। डिवाइस क्या होती है, डिवाइस होता है यंत्र, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस, तो दोनों का सेम है, हम लोग बोल सकते हैं डिवाइस को यंत्र। डिवाइस में ये सभी वर्ड मीनिंग आपको याद भी करने हैं और उतारने भी है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।